ओके सो गाइस कैसे हो एड्स ब्लॉगर, आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप एक इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरह की अपनी खुद की फोटो की स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का निशान है उससे आपको प्रेस करना है। और गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार, फॉलो करो इंस्टा पे अपने भाई को। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा प्लस का आइकन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ साइज शो कर रहा आपको, 9.16 वाला साइज सिलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा मीडिया, आपको मीडिया पे क्लिक करना। और गाइज आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपने कुछ फोटो सिलेक्ट करनी। ओके तो मैं कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने कुछ फोटो सिलेक्ट कर लिया, जो फोटो है इनका साइज सेट करना है। सो मैं सेट कर लेता हूँ। जो गाइज फर्स्ट फोटो वाले लेयर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे फोटो को सेट करना है। और सेट करने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है डबल लाइन, क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करना है, जो सेकंड फोटो क्लिक करना है और इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर फोटो को सेट करना है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पर फोटो को सेट करता हूँ। और सेट करने के बाद साइड में एक ऑप्शन से हो रहा है डबल लाइन, क्लिक करना। और आपने इस तरीके से फोटो का साइज सेट कर लेना। ओके तो गाइज मैं यहाँ पर फोटो का साइज सेट कर लेता हूँ। गाइज फोटो का साइज सेट हो चुका है। करने क्या, फोटो में गाइज ट्रांजिशन ऐड करना है। सो मैं ट्रांजिशन ऐड कर लेता हूँ। एक ऑप्शन शो कर रहा बॉक्स का आइकन, दो फोटो के बीच में एक ऑप्शन शो कर रहा बॉक्स का आइकन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ट्रांजिशन शो कर रहा, आपने इस ट्रांजिशन को डाउनलोड करना है। इस ट्रांजिशन को डाउनलोड करने के लिए करने क्या होगा, एक ऑप्शन शो कर रहा गेट मोर, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज देख लीजिए ओपन हो चुका है। जब भी आप ओपन करो आपका नेट कनेक्शन ओपन होने चाहिए। और साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा कलर, आपको कलर पर क्लिक करना है। और कुछ ट्रांजिशन शो कर आपको नीचे की स्कैन। और गाइज यहाँ पर आ चुका है ट्रांजिशन, आपने इसे डाउनलोड ही कर लेना। ओके सो मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं बैक कर दो। बैक करने के बाद मैं उसे ट्रांजिशन ओपन कर दूँ, ओपन हो चुका है और कुछ ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। ओके सो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। गाइज देख लीजिए ट्रांजिशन ऐड हो चुका है। तो गाइज सेकंड बॉक्स से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर से उसी ट्रांजिशन ओपन करना है। सो मैं इसे ऐड करता हूँ। जो थर्ड बॉक्स है क्लिक करना है, फिर से गाइज आपने उसे ट्रांजिशन ओपन करना है। मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइज देख लीजिए ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। आपने जितनी भी फोटो सेलेक्ट कर रखी है आपने सभी में इस ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। और अब करने क्या है, जो गाइज हमारे फोटो वाले लेयर है इनकी लेंथ लंबी है, इनकी लेंथ छोटी करनी है। तो मैं छोटी कर ले, जो फर्स्ट फोटो वाली लेयर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इसकी लेंथ को इस तरीके से छोटी कर लेता हूँ। जो सेकंड फोटो क्लिक करना है, ठीक है, आपने इस तरीके से लेंथ छोटी कर लेनी है, ठीक है। आपने जितनी फोटो सेलेक्ट कर रखी है आपने सभी की लेंथ इस तरीके से छोटी करनी है। और यहाँ पर लेंथ छोटी हो चुकी है, आपने इस तरीके से लेंथ छोटी करनी है। और गाइज यहाँ पर हमारे इस तरीके से वीडियो सेट हो चुकी, मतलब ट्रांजिशन ऐड हो चुका है। और अब करने क्या है, इस वीडियो को सेव करना अपने मोबाइल में। सो मैं सेव कर लेता हूँ। सीआर पे क्लिक करना और क्वालिटी सेलेक्ट करनी। क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है एक्सपोर्ट, क्लिक करना है। और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। वीडियो सेव होने के बाद गाइज आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फिर से काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। और आपको 1.1 वाला साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है मीडिया, आपको मीडिया पर क्लिक करना है। और गाइज सबके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कर रहा है बैकग्राउंड, क्लिक करना है। और कुछ कलर शो कर रहे हैं, आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और टिक पे क्लिक करना है। जो ब्लैक लेयर है इसकी लेंथ लंबी करनी है। सो मैं लंबी कर ले तो ब्लैक लेयर पे क्लिक करा और इसकी लेंथ को इस तरीके से खींच कर लंबी करनी है। और टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए लेंथ लंबी हो चुकी है। अब करने क्या है, इसमें गाइज एक इमेज ऐड करनी है जो आपने डाउनलोड कर रखी है, उसे ऐड करना है। सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। सो मैं उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इमेज आ चुकी है। जो इमेज है इसकी लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद जो इमेज है इसका साइज आपको फुल करना है। फुल करने के बाद गाइज जो इमेज वाली लेयर है क्लिक करना है। और साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहा है आपको नीचे की स्का लेने। एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना। और गाइज आपने सेलेक्ट कर लेना स्क्रीन और एक पे क्लिक करना। और इसमें गाइज अब वीडियो ऐड करनी है, जो हमने भी एक्सपोर्ट करी थी सेव करी थी उस वीडियो को ऐड करना है।
सो मैं ऐड कर लेता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, उसका वीडियो को सिलेक्ट करना, वीडियो आ चुकी है तो गाइज वीडियो ऐसे गाइज जहाँ पे ब्लैक शो कर रहे हैं यहाँ पे सेट करना है, तो गाइज मैं सेट करता हूँ। सेट करने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है थ्री डॉट, क्लिक करना है, कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक ऑप्शन शो कर रहा है सेंड टू बैक, आपको सेंड टू बैक पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक हो चुका है। और गाइज जो हमारी वीडियो वाली लेयर क्लिक करना है और साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है थ्री डॉट, क्लिक करना है और गाइज आपको सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है डुप्लीकेट, आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, दो लेयर हो चुकी है, आपको एक लेयर पे क्लिक करना है और इस वीडियो को ऊपर खिसकाना है, खिसकाने के बाद यहाँ पे ब्लैक में सेट करना है, ठीक है। सेट करने के बाद साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है थ्री डॉट, क्लिक करना है, सेंड टू बैक पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक हो चुका है। और गाइज जो वीडियो गाइज इस ब्लैक के अंदर सेट करना है, ठीक है, तो मैं इसका साइज हल्का सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। गाइज देख लीजिए वीडियो सेट हो चुकी है ब्लैक के अंदर, आपने इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पे दोनों वीडियो सेट हो चुकी है। अब करने क्या है इसमें गाइज पीएनजी ऐड कर रहे हैं, जो आपने डाउनलोड करी थी उसे ऐड करना है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक कर, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, सो मैं उस पीएनजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज पीएनजी आ चुके, जो पीएनजी है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद इस पीएनजी का साइज छोटे करना है, छोटे करने के बाद गाइज यहाँ पे सेट करना, ओके। सो गाइज मैंने सेट कर लिया, सेट करने के बाद इसमें एक पीएनजी और ऐड करनी है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, उस पीएनजी को सिलेक्ट करना है, सो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज पीएनजी आ चुकी, जो पीएनजी है इसकी लेंथ लंबी करनी, लंबी करने के बाद इस पीएनजी को सेट करना है, तो मैं सेट कर लेता हूँ, जो पीएनजी है इसका साइज छोटे करना है, छोटे करने के बाद गाइज यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना, ओके। सो गाइज मैंने यहाँ पे पीएनजी को सेट कर लिया और यहाँ पे दोनों पीएनजी सेट हो चुके हैं, आपने इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद गाइज जो हमारी वीडियो वाली जारी क्लिक करना है और साइड में कुछ ऑप्शन हो गए, नीचे की स्कैन एक ऑप्शन आ चुका है, एडजस्टमेंट क्लिक करना है, ठीक है। आपने गाइज यहाँ से जो वीडियो का कलर गाइज डार्क फेड कर सकते हो, तो जो सेकंड लाइन है, ठीक है, मैं इसे हल्का सा प्लस करता हूँ और जो थर्ड लाइन है इसे भी हल्का सा प्लस करता हूँ, ठीक है। जो सेकंड वीडियो वाली लेयर क्लिक करना है और आपको जाना है एडजस्टमेंट पे और इसका भी कलर गाइज आपको इस तरीके से डार्क कर लेना, ठीक है। सो डार्क कलर हो चुका है। कब करने क्या है इसमें गाइज एक इफेक्ट वीडियो ऐड कर रही है, सो मैं ऐड कर लेता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपने जो इफेक्ट वीडियो डाउनलोड कर रखी है आपने उसे सेलेक्ट करना है, सो मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज वीडियो आ चुकी है, जो वीडियो है इसका साइज आपको फुल करना है, फुल करने के बाद जो इफेक्ट वीडियो है क्लिक करना है, साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, नीचे की स्कैन है, एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट कर लेना है स्क्रीन ऑडिक पे क्लिक करना है। और गाइज हमारे वीडियो में इफेक्ट ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड कर लेना। और अब करने क्या है इसमें एक म्यूजिक ऐड करना है, ओके। सो मैं ऐड कर लेता हूँ, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपने जो म्यूजिक वाली वीडियो डाउनलोड करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद म्यूजिक वाली वीडियो आ चुकी है, तो गाइज म्यूजिक की वीडियो है, ठीक है, इसका साइज आपको फुल करना है, ठीक है। सो मैं इसका साइज फुल कर लेता हूँ, फुल करने के बाद साइड में कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, नीचे की स्कैन एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना है और अपने सेलेक्ट कर लेना स्क्रीन और टिक पे क्लिक करना है। गाइज हमारी वीडियो में साउंड ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से साउंड ऐड कर लेना और वीडियो अमेजिंग तरीके से एडिट हो। गाइज आपने देख लेनी कितनी लंबी वीडियो बनानी, ओके। सो गाइज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 14 सेकंड की, जो ऊपर वाली लेयर ब्लैक लेयर इतनी फालतू, इसे ट्रिम करना है, सो मैं ट्रिम कर लेता हूँ, जो ब्लैक लेयर क्लिक करना है और साइड में एक ऑप्शन आ चुका है कैच के निशान क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट। और गाइज यहाँ पर जो फालतू लेयर है आपने इस तरीके से ट्रिम करना है, ट्रिम हो चुकी है लेयर है, आपने इस तरीके से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ, शेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आ चुका है एक्सपोर्ट, क्लिक करना और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी।